कैसे कह दू देश मेरा खुशहाल है गला घुटरा, कैसे कह दू देश मेरा खुशहाल है, रोज सिफारिश मुक्त रूप से बढ़िया दाने उगती है, रोज सिफारिश के बारे में क्या आपको लगता है कि कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, मछली से फॉरेन एक्सचेंज में हजारों करोड़ रुपया आमदनी होती है। ये सरकार ने किया है कि 53 उपजातियों जो मछली का है उसको नहीं मारना है। दूसरी बात है कि जो मछली एक साल में लाखों पैदा करती है और एक ही साल उसका जीवन रहता है, एक साल के अंदर विलुप्त होता है, दूरबीन उसमें जोड़ा हुआ है, तो ये बचाने वाली तो कोई बात है नहीं। और मेरा कहना है कि वो मछलियाँ जो तिरपन जाति का नहीं मारने का जो आप आदेश देते हैं, क्या वो लागू पाकिस्तान में है, क्या वो लागू लंका में है, क्या वो लागू आपके बांग्लादेश में है या मलेशिया में है, जो आसपास मेरे समाज हैं, तो बड़े लोगों को उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आप ये कर रहे हैं। तो हम लोग कहना है कि उसको चिन्हित कीजिए और खेल दे दीजिए मकान के लिए, क्योंकि जाल जब पड़ता है तो मछली ये नहीं देखता है कि ये हमको इस जाल में नहीं आना है, अपना रेडी कर लेंगे। एक बार ऐसा भी हुआ कि दो मछुआरों को उठा करके जेल में रख दिया, जब दिल्ली में वो टेस्ट आया तो मछली प्रबंधित नहीं थी, तो बेचारा तो वहाँ पर ही कर। हम लोग का ये भी मांग है कि अगर ये लागू ही करते हैं तो हर एक जगह आप एक्सपर्ट रखिए जो देखें कि मछली है कि ये नहीं है, क्योंकि अनजाने में आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उठा करके जेल में रख देता है और तब तक वो जेल में पड़ा रहता है जब तक क्लियरेंस नहीं आ जाए, तो नाजायज तरीके से आपको कस्टडी में रखने का होगा। ये चीज हम लोग जान रहे हैं, साथ साथ ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो मछुआरा समाज है वो पुराना आदिवासी का, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखिए आपको हाल ही में जनवरी 2010 में ये निर्णय दिया है, तो इनको एसटी में शामिल किया जाए पूरे हिंदुस्तान के।